शुरू। चौक लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे मैनू बड़ा तड़पावे दिल चैन कहीं ना पावे बावे बावे चौक लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे मैनू बड़ा तड़पावे दिल चैन कहीं ना पावे बावे बावे। और दोस्तों तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गूगल में अपना जो है बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, ये इसमें मेरा फोटो लगा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बैकग्राउंड को चेंज करना अपने गूगल में तो आपको क्या क्या करना होगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपना गूगल प्ले स्टोर में गूगल का गो वर्जन डाउनलोड करना है। जी हाँ दोस्तों, गूगल का गो वर्जन आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रहा मेरा प्ले स्टोर, यहाँ पर आपको गूगल का गो वर्जन डाउनलोड करना है। तो गूगल गो आपको यहाँ पर सर्च कर देना होगा और सर्च करने के बाद सिंपल है, इसको ओपन कर देना होगा। तो ओपन करते ही आप देख सकते हैं मेरा फोटो आ चुका है। और आप कैसे लगा सकते हैं, आपके सामने ये व्हाइट वॉलपेपर आएगा तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको बैकग्राउंड को चेंज करना तो आपको क्या क्या करना होगा, तो सबसे पहले गो वर्जन में भी आप सिर्फ गूगल है उससे काफ़ी अच्छा ही सर्च कर सकते हैं और भी बहुत गूगल से अच्छा ही मिलता है। पर ये गूगल का जो एंड्रॉयड गो है उसी में से ये गूगल गो वर्जन है, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना होगा। और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर तीन लाइन यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन खुलेगा भाषा, एप्लीकेशन की भाषा खोज के लिए, दूसरा भाषा, डाटा खर्च, खाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा जो है, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं जाना है। तो आपको जाना है कहाँ पर, आपको जाना है पसंद के मुताबिक बनाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलपेपर बैकग्राउंड यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। तो वॉलपेपर बैकग्राउंड के नीचे आप देख सकते हैं वॉलपेपर चुने। जी हाँ दोस्तों, पहले जो आपका दिखा देता हूँ, सबसे पहले अगर आप इसको फर्स्ट बार ही डाउनलोड करते हो ना गूगल गो को, तो आपको यहाँ पर वाइट वाइट सा बैकग्राउंड दिखेगा। लेकिन आप यहाँ पर से ही वहीं पर जाते हैं, अगर आप जाते हैं अपने पसंद के मुताबिक बनाए पर, तो आपको यहाँ पर वॉलपेपर चुने का ऑप्शन मिलता है। और उसके बाद जो है आप जो है कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं अपना कोई भी पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो ये देख सकते हैं मैंने लगा दिया और वॉलपेपर सेट हो गया, एक नोटिफिकेशन भी आ गया। तो जैसे ही मैं बैक आता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो वॉलपेपर है वो चेंज हो चुका है, ओरिजिनल में जो हमारा पिक्चर है वो आ चुका है। यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स के बारे में भी बता देता हूँ, जबकि मैंने पहले इस ऐप का सारा रिव्यू मैंने कर दिया है, सारा चीज़ आपको बता दिया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक एक होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक लिंक होगा, वहाँ पर से आप जो है इसको देख सकते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।